आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने एक गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करो। अपना गद्यांश है, शिक्षा साध्य नहीं है अपितु साध्य तक पहुँचने का एक साधन है। हम बच्चों को केवल शिक्षित बनाने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं देते, बल्कि हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए सक्षम बनाना है। जो ही हम इस तथ्य को जान लेते हैं, हम शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य से परिचित हो जाते हैं। बहुत से आधुनिक देशों में यह सोचना फैशन हो गया है कि अमीर, गरीब, चतुर, मूर्ख सबको विद्यालय में निशुल्क शिक्षा देकर कोई भी समाज अपनी सब समस्याएं सुलझा सकता है और परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, परंतु यह काफी नहीं है। ऐसे देशों में हमें अनेक डिग्रीधारी नव युवक बेरोजगार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे हाथ से काम करने को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इतना काफी नहीं है शिक्षा की तो व्यवस्था पहले मिले उसे चुन लिया जाए अथवा अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा जाए, बिना इस बात की परीक्षा किए और देखे कि यह वास्तव में उपयुक्त है अथवा नहीं। यह अपना गद्यांश था और इससे संबंधित अपना प्रश्न है। समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। सभी को शिक्षित कर समाज का विकास कर, अमीरों को शिक्षित कर या गरीबों को शिक्षित कर। देखिए, समाज की सभी समस्याएं तब दूर होगी जब समाज का सही प्रकार से विकास होगा। समाज का विकास करके सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। और समाज का विकास कैसे होगा? प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करके, चाहे वो अमीर हो या गरीब, प्रत्येक को शिक्षित करके और शिक्षित भी इस प्रकार का कि वह जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपना हो जाएगा, समाज का विकास कर समाज की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।